In this lecture, we will discuss the solar thermal power plants. Solar thermal power plants क्या होते हैं? Simple, अगर हम thermal power plant की बात करें, यानी कि जो steam power plant होते हैं, जो Rankine cycle पे based होते हैं, जिसमें electricity production के लिए steam turbine use होता है. That is a thermal power plant या steam power plant उसको बोलते हैं. तो वो कैसे वर्क करता है? पहले हम लिक्विड वाटर का प्रेशर इंक्रीज करते हैं बाय ए पंप. एक पंप के थ्रू हम एक लिक्विड वाटर का जो है वो प्रेशर इंक्रीज करते हैं, हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर पे आजकल जो स्टीम पावर प्लांट है वो ऑपरेट होते हैं. इवन जो प्रेशर है वो लगभग क्रिटिकल प्रेशर के आसपास में होता है, कई जगह पे तो उससे भी ज्यादा होता है, सुपर क्रिटिकल में भी पहुंच जाता है. तो साइकिल वर्क करती है, एक पंप के थ्रू हम उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं, फिर हाई प्रेशर पे उसको हीट सप्लाई करके बॉयलर में उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं. तो प्रेशर इंक्रीज करने से फायदा ये होता है कि जो वाटर है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे स्टीम में कन्वर्ट होता है. ठीक है, उससे फायदा ये है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो कम होती रहती है. खैर, तो वो एक अलग चीज है. तो बॉयलर में क्या करते हैं, उसको हीट सप्लाई करके उस स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं. फिर जो वो स्टीम है वो जाती है एक टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में. ऑब्वियसली स्टीम टरबाइन में उसका एक्सपेंशन होता है, स्टीम का एक्सपेंशन के साथ जो टरबाइन है वो वर्क प्रोड्यूस करता है. उसके साथ में एक जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर या अल्टरनेटर उसको बोलते हैं, वो कनेक्ट रहता है टरबाइन की शाफ्ट से. टरबाइन रोटेट होता है तो अल्टरनेटर की जो शाफ्ट है वो भी रोटेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. देन उसके बाद में टरबाइन के बाद जो बची हुई स्टीम है, एक्सपेंडेड जो स्टीम है, उसको हम कंडेंस कर लेते हैं कंडेंसर में. उसको कंडेंस करना जरूरी है, अदरवाइज पंप वर्क नहीं कर पाएगा. पंप डील्स ओनली विद द लिक्विड्स, तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए हम स्टीम को कंडेंस करते हैं. कंडेंस करने के लिए हम उसको एक कोल्ड फ्लूड से ठंडा कर लेते हैं, कोल्ड फ्लूड से उसको ठंडा कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं. और कंडेंस होने के बाद जब वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वापस उसको पंप से प्रेशर इंक्रीज करके बॉयलर में भेज देते हैं. तो इस रैंकाइन, इसको बोलते हैं रैंकाइन साइकिल, और इस साइकिल पे वेस्ट होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स. ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट्स में और सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में क्या डिफरेंस है कि यहां पे भी रैंकाइन साइकिल ही यूज होती है. पंप से प्रेशर इंक्रीज होता है, उसके बाद उसमें हीट ऐड करके उसको स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, और उसके बाद में कंडेंसर में उसको कंडेंस कर लेते हैं. साइकिल तो यही यूज होती है, लेकिन यहां पे दो अलग अलग साइकिल चलती है. फर्क सिर्फ इतना है कि जो थर्मल पावर प्लांट में हीट एडिशन का काम होता है वो बॉयलर में करते हैं, बॉयलर में स्टीम को कन्वर्ट करते हैं. यहां पे क्या है, यहां पे उस जो बॉयलर है, बॉयलर में एनर्जी कहां से आती है, फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ फ्यूल, आइदर कोल और अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हम उसमें यूज करते हैं, ज्यादातर कोल ही यूज किया जाता है. तो कोल के कंबस्शन से जो हीट रिलीज होती है वो वाटर को सप्लाई करते हैं बॉयलर में, और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ सोलर थर्मल पावर प्लांट की जो साइकिल है उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कोल का कंबस्शन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके बजाय सोलर थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं बॉयलर में स्टीम को, सॉरी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने. ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है. रैंकाइन साइकिल पूरी की पूरी यहाँ पे भी यूज हो रही है, बस बॉयलर में फ्यूल का कंबस्शन करने की बजाय हम जो हीट सप्लाई करते हैं वो सोलर एनर्जी के रूप में करते हैं, आइदर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं उसको सोलर एनर्जी, या फिर किसी दूसरे फ्लूइड का भी यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे फ्लूइड का भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर सिंपल डायरेक्टली हम उसको यूज करते हैं तो जहां पे सोलर थर्मल एनर्जी, एक कलेक्टर लगा होगा, सोलर कलेक्टर सन से एनर्जी को कलेक्ट करेगा,
वहां से वाटर की सप्लाई होगी, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन बाकी के जो रेस्ट ऑफ द साइकिल है वो सेम रहेगी, स्टीम टर्बाइन में उसका एक्सपेंशन होके पावर जनरेशन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो ड्यूल दो दो मोड में यूज होती है जिसमें डबल साइकिल होते हैं, बाइनरी बाइनरी साइकिल बोलते हैं उसको, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले सोलर कलेक्टर से हम एनर्जी को स्टोर करते हैं किसी दूसरे फ्लूइड में। देखिए ये बाइनरी साइकिल यहाँ पे बनी हुई है, इसको कैसे करते हैं, सन से जो सोलर एनर्जी हमें मिल रही है उसको हम पहले एक सोलर कलेक्टर या सोलर कॉन्सेंट्रेटर से उसको कलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया जहां पे एक हीट ट्रांसफर फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहां पे उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में जो सोलर कलेक्टर यूज होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स यूज होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर फ्लूइड को हीट कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होती है। तो जो कलेक्टर्स हैं वो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया पे जहां पे हीट ट्रांसफर फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, हीट कोल्ड फ्लूइड उसमें एंटर करता है, जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसको कॉन्सेंट्रेट करके हीट में कन्वर्ट कर देते हैं और वो हीट ट्रांसफर कर देते हैं हीट ट्रांसफर फ्लूइड को। तो ये यहाँ पे एक सोलर कलेक्टर लगा हुआ है, सोलर कलेक्टर कह सकते हैं या सोलर कॉन्सेंट्रेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि पावर प्लांट में कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप ही यूज होते हैं। तो सोलर कलेक्टर कम कॉन्सेंट्रेटर यहाँ पे एक लगा हुआ है, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड जो हीट ट्रांसफर फ्लूइड है वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी वाटर भी यूज हो सकता है, यहाँ पे कुछ मोल्टन सॉल्ट यूज हो सकता है, एल्कोहल यूज हो सकता है, कोई भी यूज हो सकता है। तो यहाँ से एक कोल्ड फ्लूइड जो है वो एंटर करता है यहाँ पे, ये एक सोलर कलेक्टर है जो हीट को कलेक्ट करके एक जो ये पाइप है इस पाइप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा, उसको हीट में कन्वर्ट करके पाइप के ऊपर एक एब्जॉर्बर प्लेट लगी होगी वो उस हीट को एब्जॉर्ब करके हीट ट्रांसफर फ्लूइड को सप्लाई कर दी। तो क्या होगा, यहां से जो बाहर निकलेगा वो हॉट फ्लूइड एंटर कर निकलेगा, यहां से कोल्ड फ्लूइड इस पे एंटर करेगा, जो सोलर एनर्जी आ रही है वो सोलर एनर्जी जितना मैक्सिमम पॉसिबल है ये कलेक्टर उसको हीट ट्रांसफर फ्लूइड को ट्रांसफर करके उसको हीट कर देगा, उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। तो हॉट फ्लूइड यहां से बाहर आएगा और वो हॉट फ्लूइड एक हीट एक्सचेंजर में पास कराते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, और इस नॉन कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर में एक तरफ से एंटर करेगा ये हीट ट्रांसफर फ्लूइड जो सोलर एनर्जी लेके आ रहा है, और दूसरी तरफ से एंटर करेगा कोल्ड फ्लूइड जो कंडेंसर से कंडेंस होके आ रहा है। ये जो हीट ट्रांसफर फ्लूइड है जो सोलर एनर्जी लेके आ रहा है वो अपनी हीट वाटर को या इसको ट्रांसफर करेगा वर्किंग फ्लूइड को, जो कि साइकिल में वर्किंग फ्लूइड है, वाटर ही होता है, तो उस वर्किंग फ्लूइड को हीट ट्रांसफर करेगा, वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये जो हीट ट्रांसफर फ्लूइड है जो सोलर एनर्जी लेके आया था वो अपनी हीट जब वाटर को ट्रांसफर करेगा तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ ही साथ ये जो वाटर है वो भी कूल हो जाएगा, और कूल होने के बाद ये वापस सर्कुलेट हो जाएगा सोलर कॉन्सेंट्रेटर पे, वहां से ये साइकिल जो है वो पूरी चलती रहेगी, सोलर कॉन्सेंट्रेटर से वो हीट कलेक्ट करके हीट एक्सचेंजर में वाटर को सप्लाई करता रहेगा, और यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद की जो साइकिल है वो सेम है, तो उसके बाद की जो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद स्टीम टर्बाइन में जाएगा, स्टीम टर्बाइन से फिर कंडेंसर में, अब कंडेंसर में उसको कंडेंस करना है तो हमें उसको एक कोल्ड फ्लूइड सप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से कंटिन्यूअस एक कोल्ड फ्लूइड की सप्लाई के लिए एक कूलिंग टावर लगा होता है, ठीक है। तो ये कूलिंग टावर जो है वो कंटिन्यूअसली इस कंडेंसर को एक कोल्ड फ्लूइड या ठंडा पानी सप्लाई करता रहता है, जिसकी वजह से ये जो स्टीम है वो हीट उस वाटर को देके खुद कंडेंस हो जाती है। तो जब हीट इस कोल्ड वाटर को जो स्टीम है वो इस कोल्ड वाटर को हीट सप्लाई करेगी तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा वाटर का, तो वो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो गया वो कूलिंग टावर में उस हीट को हम जाके फेंक देते हैं, वो फिर से ठंडा हो जाता है,
और उसको फिर से हम कंडेंसर में सर्कुलेट करते हैं। तो इस तरीके से जो टर्बाइन से एक्सपेंड होने के बाद स्टीम कंडेंसर में जा रही है वो कंडेंस हो जाती है, उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उसका प्रेशर इंक्रीज करके एक पंप से वापस इस हीट एक्सचेंजर में सप्लाई कर देते हैं। तो ये जो सोलर थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये काफी हद तक सिमिलर हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी हम यही करते हैं कि बाइनरी साइकिल का यूज करते हैं, जिसमें दो अलग अलग साइकिल चल रही होती हैं। एक सिंपल रैंकाइन साइकिल होती है जिसमें टर्बाइन, कंडेंसर और पंप, ये तीन कंपोनेंट हमेशा सेम रहते हैं। बस बॉयलर में जो स्टीम हम जनरेट करते हैं उसके लिए हीट हम कोल के कंबस्टन से ना लाके न्यूक्लियर फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं वहां से जो हीट जनरेट हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, उससे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं इस हीट एक्सचेंजर में या बॉयलर में, और यहाँ पे सोलर एनर्जी से कर रहे हैं। तो ये वाली जो लेफ्ट साइड वाली साइकिल है इसमें वो सिर्फ चेंज हो जाती है न्यूक्लियर में। यहाँ पे सोलर से ये हीट लेके जा रहा है हीट ट्रांसफर फ्लूइड, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूल से हीट लेके जाता है। ठीक है, ये ज्यादा सेफ है क्योंकि इसमें तो कोई चांसेस नहीं है एक्सीडेंट की, ये तो सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं। न्यूक्लियर में थोड़ा सा चांसेस है, और साथ ही साथ वहां पे उस न्यूक्लियर जो वेस्ट लास्ट में बच जाता है उसको डिस्पोज करने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। तो सोलर थर्मल पावर प्लांट जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से काफी ज्यादा इफिशियंट है और काफी ज्यादा सेफ है। ठीक है, लेकिन वर्किंग जो है वो लगभग 99% सेम होती है। बस यहाँ पे जो ये हीट ट्रांसफर फ्लूड है वो सोलर एनर्जी की बजाय न्यूक्लियर फ्यूल से हीट लेके जाता है। तो दिस ये इस तरह से वर्क करता है सोलर थर्मल पावर प्लांट। जो सोलर सेल पावर प्लांट्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि सोलर कलेक्टर जो है वो हीट एब्जॉर्ब करके हीट ट्रांसफर फ्लूड को ट्रांसफर कर देता है, वो सिर्फ गर्म करता है, हीटिंग पर्पज के लिए काम आता है। लेकिन जो सोलर सेल्स होते हैं वो सोलर सेल फोटोवोल्टिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और वो डायरेक्टली जो सन की एनर्जी आ रही है, सन से जो हीट आ रही है, उस हीट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में या डायरेक्ट करंट में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वहां पे ये सब साइकिल वाइकिल लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो सोलर सेल पावर प्लांट्स की जो वर्किंग है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो सोलर एनर्जी का दो तरीके से हम यूज कर रहे हैं, इन सोलर सेल और इन द फॉर्म ऑफ सोलर सेल एंड इन द फॉर्म ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी, और दोनों ही फॉर्म से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में भी और सोलर सेल पावर प्लांट्स में भी। तो ये है सोलर थर्मल पावर प्लांट्स की वर्किंग, जहाँ पे एक बाइनर साइकिल के थ्रू हम इसको यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्टली सोलर कलेक्टर या सोलर कॉन्सेंट्रेटर को यहीं पे लगा देते हैं, तो सन से जो एनर्जी आ रही है वो डायरेक्टली सोलर कलेक्टर पे आएगी। ये सोलर कलेक्टर जो है ये इस वाटर जो ये सप्लाई हो रहा है इसके ऊपर उसको कॉन्सेंट्रेट कर देगा, इसी पे एब्जॉर्बर प्लेट लगा देंगे, और जो वाटर है उसका टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो जाएगा या वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा यहीं पे, और फिर आगे की जो पूरी साइकिल है वो सेम। तो इसको सिंगल साइकिल में भी यूज करते हैं और डबल साइकिल में भी यूज करते हैं, बट ज्यादातर जो है हम इसको बाइनरी साइकिल में यूज करते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि आजकल जो है यहाँ पे हम एक हीट ट्रांसफर फ्लूड की जगह मोल्टन सॉल्ट या मोल्टन मेटल यूज कर लेते हैं। ठीक है, उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है और प्रेशर उसका कम रहता है, कम प्रेशर पे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए ज्यादातर बाइनरी साइकिल्स में, इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी हम आजकल मोल्टन सॉल्ट का यूज करने लगे हैं एक एज ए हीट ट्रांसफर फ्लूइड। ठीक है, तो दिस इज द सोलर थर्मल पावर प्लांट जो बाइनरी साइकिल में यूज हो रहा है। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। तो सोलर कलेक्टर के बेसिस पे सोलर थर्मल पावर प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया। जैसे हमने जो देखे सोलर कलेक्टर या सोलर कॉन्सेंट्रेटर, वो देखे हमने पैराबोलिक डिश टाइप, पैराबोलिक ट्रॉफ टाइप एंड पैराबोलिक टावर टाइप। तो उसी के बेसिस पे ये अलग अलग पावर प्लांट वर्क करते हैं। जैसा मैंने बताया कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर सीपीसी जो है वो पावर प्लांट्स में यूज नहीं होता, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है एक जगह पे, वो इकट्ठा करता है एक जगह पे, अलग अलग रखता है उसको, कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। तो देखो जैसे हमने पढ़ा सोलर डिश में क्या होता है, एक डिश की फॉर्म में हमारे पास एक कलेक्टर होता है, मिरर्स लगे होते हैं जो एक पॉइंट पे, यहाँ पे एक रिसीवर लगा होता है और एक पॉइंट पे सारी की सारी जो रेडिएशन इसके ऊपर आ रहा है उसको एक पॉइंट पे, यहाँ पे ये जो रिसीवर है इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्बर प्लेट होती है,
उस सारे रेडिएशन को एब्जॉर्बर प्लेट एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर देती है। इसके अंदर जो है एक हीट ट्रांसफर फ्लूइड भरा होता है, वो हीट ट्रांसफर फ्लूइड हीट होके यहाँ से सप्लाई होता रहता है। अब देखिए, जो हमने सोलर पैराबोलिक सोलर डिश का जो हमने वर्किंग देखा था, उसमें हमने देखा था कि ये इस तरह से काम करता है सोलर डिश, कि एक यहाँ पे ये जो मिरर्स और लेंसेस सोलर डिश की फॉर्म में होते हैं, एक जगह पे रिसीवर पे ये सारे के सारे रेडिएशन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं जहाँ पे एब्जॉर्बर प्लेट लगी होती है। एब्जॉर्बर प्लेट उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर देती है, देन इसमें हीट ट्रांसफर फ्लूड जो है उसको हीट ट्रांसफर हो जाती है और वो फिर सर्कुलेट हो जाता है। लेकिन जहाँ पे पावर प्लांट्स लगे होते हैं, वहां उन पावर प्लांट्स में जो सोलर डिश है वो एक सोलर डिश नहीं होती है, वो सीरीज में बहुत सारी सोलर डिश लगी होती हैं, और ये जो सोलर डिश हैं उनमें एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी लगी होती है। तो सूरज जिधर जिधर सन की जो डायरेक्शन है जैसे जैसे घूमती रहती है, वैसे वैसे ये सोलर डिश जो है वो भी घूमती रहती है। तो बहुत सारी सीरीज में सोलर डिश जो है वो एक साथ कनेक्ट रहती है, और सबसे ये जो हीट ट्रांसफर फ्लूड है वो हीट यहाँ से कलेक्ट करके इस तरह से आता है, फिर यहाँ से आएगा इसमें इसके साथ मिल जाएगा, फिर इस वाली से आएगा इसमें इसके साथ एंड मिल जाएगा, फिर इधर वाली से आएगा इसमें इसके साथ मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है वो पूरी की पूरी इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो पूरा हमारा जो एक थर्मल पावर प्लांट होगा जो बाइनरी साइकिल पे बेस्ड होगा। ये जो हीट कलेक्ट करके हीट ट्रांसफर फ्लूड आ रहा है, ये ट्रांसफर कर देगा वाटर को जो कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और देन उसके बाद स्टीम टर्बाइन से हम उसको स्टीम में कन्वर्ट कर लेंगे, अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको ग्रिड पे भेज देते हैं। ठीक है, तो मेनली देखा जाए अगर तो सोलर डिश के जो हमने वर्किंग देखा था और पावर प्लांट में जो सोलर डिश का हम यूज कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बहुत सारी सोलर डिश जो है वो एक साथ कनेक्ट होती है सीरीज में, और सबसे मिलके जो जो भी हीट ट्रांसफर फ्लूड है वो सारे जो सोलर डिश है वहां से हीट लेके एक जगह पे आके अपनी हीट को वाटर को सप्लाई कर देता है। तो दिस इज द सोलर डिश टाइप कलेक्टर पावर प्लांट। नेक्स्ट है पैराबोलिक ट्रॉफ कलेक्टर। तो पैराबोलिक ट्रॉफ कलेक्टर में भी सेम फंक्शन है, बस जो हम कलेक्टर यूज कर रहे हैं वो पैराबोलिक ट्रॉफ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सन से एनर्जी आ रही है, ये पैराबोलिक ट्रॉफ क्या कर रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इन पाइप्स में। ये लाइन की फॉर्म में होते हैं, जैसे सोलर डिश में एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है जहां पे रिसीवर लगा होता है, उसी तरह से पैराबोलिक ट्रॉफ में क्या करता है, पॉइंट की बजाय एक लाइन पे, जिस लाइन पे वो पाइप की एक्सिस होती है उस लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करता है, फोकल एक्सिस पे, अपनी फोकल पॉइंट पे ना करके फोकल एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो जितना भी रेडिएशन यहाँ इस सोलर ट्रॉफ पे आ रहा है वो सारे का सारा इन पाइप्स के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, और इन पाइप्स में लगी होती है एब्जॉर्बर प्लेट, वो एब्जॉर्बर प्लेट उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर दी है, और इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अगर सिंपल साइकिल है, बाइनरी साइकिल नहीं है, तो डायरेक्टली ये जो कोल्ड फ्लूइड यहाँ पे एंटर कर रहा है वो वाटर ही होगा, तो ये वाटर को ही जो एनर्जी है वो सप्लाई करके उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देंगी, और ये जो है बहुत सारे सीरीज में लगे होंगे एक साथ, जैसे पैराबोलिक डिश सीरीज में बहुत सारी लगी हुई थी, उसी तरीके से ये पैराबोलिक ट्रॉफ भी सीरीज में बहुत सारे एक साथ लगे होंगे, और सारा जो कनेक्शन है वो एक पॉइंट पे आके मिल रहा होता है। तो यहाँ से जो ये स्टीम जा रही है, यहाँ से जो वो स्टीम जा रही है वो डायरेक्टली जाती है फिर टर्बाइन पे, गैस टर्बाइन पे, उसी के साथ कनेक्ट होता है जनरेटर, स्टीम से टर्बाइन रोटेट होता है, टर्बाइन से जनरेटर, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और वो ग्रिड को सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से जो एक्सपेंड हो जाती है स्टीम, उसको हम कूलिंग टावर्स में या कंडेंसर में जो है उसको कंडेंस करके, उसको ठंडा करके वापस यहाँ पे सोलर पैराबोलिक ट्रॉफ को, सोलर कलेक्टर को भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वापस जो है साइकिल वो रिपीट होती रहती है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन स्टीम टर्बाइन में चले जाते हैं। अब देखिए ये क्या है, सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो सिर्फ दिन में अवेलेबल है, रात में सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मल स्टोरेज का यूज करते हैं, हम उस हीट को स्टोर कर देते हैं। इसको हम अभी आगे थोड़ा आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक भी लगाया हुआ है ताकि जिस समय पे सोलर एनर्जी अवेलेबल ना हो उस समय पे हम इस स्टोरेज टैंक का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं पैराबोलिक टॉवर कलेक्टर पावर प्लांट। तो पैराबोलिक टॉवर कलेक्टर पावर प्लांट में भी सेम फंक्शन है, बस यहाँ पे जो कलेक्टर है उसका टाइप चेंज हो गया है।
वहां पे पैराबोलिक ट्रॉफ यूज हो रहा था, यहाँ पे पैराबोलिक टॉवर के फॉर्म में कलेक्टर यूज हो रहा है। तो पैराबोलिक टॉवर का जो वर्किंग है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो फ्लैट कलेक्टर्स लगे होते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर नहीं है, फ्लैट कलेक्टर है सिर्फ। और ये जो कलेक्टर है वो सारे रेडिएशन को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये यहाँ पे एक टॉवर में ऊपर लगा होता है एक रिसीवर। तो यहाँ पे भी जैसे डिश में एक पॉइंट पे कर रहा था, इसमें भी एक पॉइंट पे ही करते हैं, लाइन में नहीं करते हैं, लाइन में सिर्फ पैराबोलिक ट्रॉफ में करते हैं। तो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करने के बाद जो इसमें जो हीट ट्रांसफर फ्लूइड है वो अपनी जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होके चले जाता है स्टीम ड्रम में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो है वाटर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ नहीं भी होता है। तो क्या करते हैं कि स्टीम ड्रम का यूज करते हैं, जो स्टीम है वो ऊपर निकल जाती है, वाटर जो है वो नीचे रहता है। तो जो स्टीम है वो सप्लाई कर देते हैं फिर टर्बाइन को, उसके साथ आगे का जो वर्किंग है वो सेम है, उसके बाद उसको ठंडा करके वापस इसी टावर में सप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया पैराबोलिक टावर कलेक्टर पावर प्लांट। तो ये जो कलेक्टर है, कॉन्सेंट्रेटर है, पैराबोलिक डिश, पैराबोलिक ट्रॉफ और पैराबोलिक टावर, ये तीनों टाइप के कॉन्सेंट्रेटर कलेक्टर जो है वो सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होते हैं। आगे की जो साइकिल है वो सेम रहती है, सिर्फ जो कलेक्टर है वो चेंज हो जाते हैं। अब देखिए कलेक्टर जो है वो एक कलेक्टर बस यूज नहीं, पावर प्लांट में और सिंपल कलेक्टर वर्किंग में सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक कलेक्टर ना होकर बहुत सारे बहुत बड़े एरिया में ये कलेक्टर्स लगे होते हैं और सारी जो हीट है वो एक जगह पे लेके हम उसको एक जगह पे लेके आते हैं और उसको फिर आगे साइकिल में यूज कर लेते हैं। रैंकिन साइकिल थर्मल जो पावर प्लांट होते हैं, आगे की जो वर्किंग है वो उसी तरीके से होती है। उसके बाद देखते हैं थर्मल एनर्जी स्टोरेज। देखिए थर्मल एनर्जी स्टोरेज को कैसे करते हैं, जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज है वो मेनली जो है मेनली दो टाइप का होता है, एक तो होता है सेंसिबल हीट स्टोरेज और दूसरा होता है लेटेंट हीट स्टोरेज। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट क्या होती है, MCP फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और लेटेंट हीट क्या होती है, ML। ठीक है, अब किसी भी फ्लूइड का जो मास फ्लो रेट है वो हमने यूज कर लिया, सीपी उसकी कांस्टेंट होगी। तो सेंसिबल हीट में हम हीट को कैसे स्टोर करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, और लेटेंट हीट में हम हीट को कैसे इंक्रीज करेंगे, उसको कन्वर्ट करके उसका फेस चेंज करके। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक सोलर कलेक्टर होगा, यहाँ पे एक जो हीट ट्रांसफर फ्लूइड है चाहे वो वाटर है या कुछ भी है वो फ्लो कराएंगे हम, ठंडा कोल्ड, सोलर कलेक्टर से हीट एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसको एक स्टोरेज टैंक में डाल देते हैं। अब ये जो स्टोरेज टैंक है ये पूरा इंसुलेटेड होता है, तो इसमें जितनी, जैसे कि सपोज अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं तो ठंडा पानी हमने उसको सप्लाई किया 30 डिग्री सेल्सियस पे और 80 या 90 डिग्री सेल्सियस पे उसने उसको गर्म करके इस स्टोरेज टैंक में भर दिया। अब ये स्टोरेज टैंक जो है वो इंसुलेटेड है, यहाँ से हीट बाहर नहीं जाएगी, ये गर्म पानी इसमें रखा है। फिर उसको रात में हम यूज कर सकते हैं, चाहे नहाने के लिए या अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए या किसी और पर्पज के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वाटर का टेम्परेचर हमने इंक्रीज करके एक स्टोरेज टैंक में उसको स्टोर कर लिया है जो कि एक इंसुलेटेड है जहां से हीट बाहर नहीं लीक होगी। तो इस तरह के हीट थर्मल एनर्जी स्टोरेज को बोलते हैं सेंसिबल हीट स्टोरेज। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने में भले ही हमने कितनी भी इंसुलेशन लगा दी है उससे क्या होता है, कितनी भी इंसुलेशन हमने इसमें लगा दी लेकिन हीट थोड़ी बहुत लीक हो ही जाती है। ठीक है, दूसरा होता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट स्टोरेज में हम क्या करते हैं, एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो अपना फेस चेंज कर सकता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे ना होके जो नॉर्मल एक रेंज है अपनी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के आसपास वाली, उस में उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस टेम्परेचर पे वो फेस चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो कोल्ड फ्लूइड है उसको यहाँ पे एंटर कराते हैं, कोल्ड फ्लूइड एंटर करता है सोलर कलेक्टर में, सोलर कलेक्टर से हीट को लेके सोलर उन मटेरियल्स को बोलते हैं फेस चेंज मटेरियल्स, PCM शॉर्ट में बोलते हैं। तो वो जो हीट लेके इस स्टोरेज टैंक में एंटर करता है, अब इस स्टोरेज टैंक में जब वो एंटर करता है तो इस स्टोरेज टैंक में भरा होता है फेस चेंज मटेरियल। इसकी ये देखिए अंदर में, ये जो अंदर वाला आपको दिख रहा है इसमें तो हम गर्म पानी भर देंगे, और इसकी बाहर जो है ये दो सिलेंडर हैं और इन दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, और इन दो सिलेंडर की जो ये बाहर वाली आउटर लेयर है इसमें हमने एक फेस चेंज मटेरियल भर दिया।
तो जब हम स्टोरेज टैंक में अंदर गर्म पानी भरेंगे तो उस गर्म पानी की जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी फेज चेंज मटेरियल को। अब फेज चेंज मटेरियल जो है वो हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, हीट एब्जॉर्ब करते करते वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए लेटेंट हीट जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कंपेयर टू द सेंसिबल हीट। मतलब सेंसिबल हीट में आप टेम्परेचर देखिए, अगर सेम मास की हम बात करें, मान ले 1 kg मास की हम बात कर रहे हैं, तो 1 kg मास में अगर हम वाटर की बात करें तो वो फेज चेंज करने के लिए 335 लगभग लगभग 350 kJ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। जबकि 350 यहाँ करने के लिए अगर हम स्पेसिफिक हीट उसकी 4 ले लेते हैं, स्पेसिफिक हीट जो वाटर की है वो 4 है, तो 300 करने के लिए हमें उसका कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, लगभग 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जबकि यहाँ पे बिना टेम्परेचर इंक्रीज करे 1 kg मास से ही हम आराम से 350 kJ हीट को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ बाहर में एक फेज चेंज मटेरियल लगा हुआ है, ये जो वाटर है उसको हीट जो है वो ट्रांसफर कर देगा और वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं है, लगभग 30 डिग्री या 40 डिग्री पे ही हमने उसको हीट ट्रांसफर कर दी और वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बाहर इंसुलेशन वगैरह वो सब तो पहले जैसे सेंसिबल हीट में था, यहाँ पे भी है। अब जब हम इसको यूज करने का नंबर आएगा नाइट टाइम में, तब हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड है वो जब यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीसीएम ने हीट अब्जॉर्ब कर ली है, तो जब इसके कॉन्टेक्ट में यहाँ स्टोरेज टैंक में गर्म पानी था तो उस गर्म पानी ने पीसीएम को हीट दे दी, उसने हीट अब्जॉर्ब करके अपने पास रख ली। जब इसमें ठंडा पानी होगा, ठंडा पानी सप्लाई होगा, तो ठंडा पानी जब इसके टेम्परेचर से कम होगा तो ये पीसीएम इस पानी को वापस से हीट ट्रांसफर करेगा और वो पानी गर्म होता रहेगा और उसको हम आगे यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया सेंसिबल हीट स्टोरेज एंड लेटेंट हीट स्टोरेज। ठीक है, एक लेटेंट हीट स्टोरेज जो है उसका एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये स्टोरेज टैंक है, इसी स्टोरेज टैंक से हमने दिन में हमने ये पंप ऑन किया, ये पंप जो है वो ठंडा पानी लेके जाएगा इधर यहाँ पे दिन, तो दिन में क्या होगा, ये वाला जो वॉल्व है ये बंद रहेगा और यहाँ से जो ये वाला जो वॉल्व है वो ओपन रहेगा, तो पंप जो है इस वाटर को ठंडे पानी को सप्लाई करेगा फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर पे, सोलर कलेक्टर उस पानी को गर्म करेगा और ये जो पानी गर्म पानी है वो पीसीएम हीट एक्सचेंजर में होता हुआ स्टोरेज टैंक में चला जाएगा। तो पीसीएम हीट एक्सचेंजर में, क्योंकि दिन में तो सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल है, तो उस समय पे क्या होगा, ये अपनी हीट इसको देके इसको पीसीएम को मेल्ट कर देगा, ये अपने पास हीट स्टोरेज रखेगा और स्टोरेज टैंक में भी गर्म पानी रहेगा। ठीक है, अब जब रात हो जाएगी तो स्टोरेज टैंक में गर्म पानी जैसे यूज करते करते वो ठंडा हो गया, तो अब ये वाला वॉल्व बंद कर देंगे, ये वाला ओपन कर देंगे, तो पंप से यहां से हीट ट्रांसफर होगा, यहां से जो पानी है वो ठंडा पानी जाएगा और यहां से पीसीएम हीट एक्सचेंजर में होता हुआ फिर स्टोरेज टैंक में आ जाएगा। तो जो दिन में पीसीएम मेल्ट हो गया था हीट अब्जॉर्ब करके वो अब सॉलिडिफाई हो जाएगा अपनी हीट वाटर को देके और स्टोरेज टैंक में यहाँ पे बना रहेगा। तो ये एडवांटेज होता है लेटेंट हीट स्टोरेज को यूज करने का, और इस तरह से हम थर्मल एनर्जी स्टोरेज का यूज करते हैं सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो रात में अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है सोलर एनर्जी की। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एनर्जी बिल्स आपके कम करता है क्योंकि जो मेन कॉस्ट है एनर्जी की वो जीरो है, सोलर एनर्जी फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, लाइफ बहुत ज्यादा है, 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, जो कलेक्टर्स हैं या जो उसके सोलर सेल्स हैं उनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है और इनफाइनाइट अमाउंट में एनर्जी अवेलेबल है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स है। डिसएडवांटेजेस क्या है, सीजन पे डिपेंड करती है, सर्दियों में जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, और रात में अवेलेबल नहीं है, शुरू में जो कॉस्ट आती है इनिशियल कॉस्ट वो बहुत ज्यादा है, इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, पहले पूरा सेटअप वेटअप पूरा इंस्टॉल करना पड़ता है, लोकेशन सेंसिटिविटी भी है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में तो अच्छी खासी धूप आ जाती है, लेकिन बियॉन्ड दैट पॉइंट्स, बियॉन्ड दैट लाइंस सोलर एनर्जी जो है वो अवेलेबल नहीं है, वहां पे हम सोलर एनर्जी का यूज नहीं कर पाते, बहुत कम अमाउंट में वहां पे अवेलेबल रहती है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज रात में हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और डिसएडवांटेज है कि चाहे सोलर सेल की बात करें या सोलर कलेक्टर्स की बात करें, बहुत लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बड़े एरिया में हमको हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।